जैसा मेरा जो दोस्त है विवेक बिंद्रा, ऊर्जा केंद्र है मेरा छोटा भाई. व्हेन आई मीट हिम, मैं कभी कभी ऐसे ही फोन करता हूँ, बोलता आप कहाँ हो, मुझे मिलना है. बहुत दिनों में मिले नहीं क्योंकि मुझे आपसे एनर्जी लेनी है, ऊर्जा लेनी है. क्यों? ही इज पैशनेट अबाउट डूइंग दिस, ही इज पैशनेट अबाउट बिल्डिंग द बड़ा बिजनेस फैमिली, ही इज पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, ही इज पैशनेट. थैंक यू मेरे भाई. कम ऑन, दैट्स द एनर्जी, सुपर्ब. पैशन क्या होता है? पिक योर पैशन. अगर 10 आइडिया है, मैं ये भी कर सकता हूं, 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 लेकिन व्हाट मेक्स मी फील अलाइव. सुबह उठता हूं, मैं बोलता हूं सर ये करना है. जैसा मेरा जो दोस्त है विवेक बिंद्रा, ऊर्जा केंद्र है मेरा छोटा भाई. व्हेन आई मीट हिम, मैं कभी कभी ऐसे ही फोन करता हूं, बोलता आप कहाँ हो, मुझे मिलना है. बहुत दिनों में मिले नहीं क्योंकि मुझे आपसे एनर्जी लेनी है, ऊर्जा लेनी है. क्यों? ही इज पैशनेट अबाउट डूइंग दिस, ही इज पैशनेट अबाउट बिल्डिंग द बड़ा बिजनेस फैमिली, ही इज पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, ही इज पैशनेट. और बॉस, जो एनर्जी मैंने आज इस रूम में देखी है ना, मैं बता रहा हूं, जो एनर्जी और पैशन है, बड़ा बिजनेस की ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की सुनामी आने वाली है. क्या ह्यूज, आई एम सुपर एक्साइटेड. सो पैशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट. उसके बाद जो हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, इट्स अमेजिंग. लोग समझते हैं कि ग्रंथों में सिर्फ ज्ञान है, स्पिरिचुअलिटी है, अच्छे इंसान कैसे बनो, अच्छी लाइफ कैसे जियो, बट गुड बिजनेसमैन कैसे बने, अच्छे डिसीजन कैसे लें, ये भी हमारे ग्रंथों में है. विवेक, मेरा नाम नहीं, पॉइंट वन बोल रहा हूं, विचार, नेति, वैराग्य. विवेक, विचार, नेति, वैराग्य. विवेक, विवेक माने सोचो, बुद्धि लगाओ, और अपनी जो इनर वॉइस है, अंतरात्मा, जो आपसे हमेशा कनेक्टेड रहती है, बोलती है, मेरे से तो रोज बोलती है, भाई जी तू गलत कर रहा है, ये तो सही कर रहा है, ये तो करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए. उसकी आवाज सुनो एंड नो वे यू विल बी हैप्पी कि मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे ये टारगेट अचीव करना है. ओ विवेक, अब अपन ने विचार करना शुरू किया, भाई चुन तो लिया अपन ने क्या करना है. अब विचार करके अपने को यह समझना है कि इसे अचीव कैसे करें, वेयर वी आर, वेयर वी वॉन्ट टू बी, हाउ विल वी गेट देयर. आज बड़ा इजी है, मुझे वापस होटल जाना है इसके बाद, तो मैं गूगल मैप्स खोलूंगा. मुझे तीन चीजों का जानना जरूरी है, वेयर आई एम, वेयर आई वॉन्ट टू बी, हाउ विल आई गेट देयर. तो विचार इसके ऊपर करना बहुत जरूरी है, और इससे अपने को बहुत सारी डिटेल्ड एनालिटिक्स अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि ये होने वाला है कि नहीं होने वाला है. ख्याली पलाव है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपन, क्योंकि एक ही चीज है लाइफ में जो वापस नहीं आएगी, वो है टाइम, सबसे वैल्यूएबल कमोडिटी, वापस नहीं आएगी भाई, ये गया तो गया, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना लाइफ में. विचार, उसके बाद नीति. नीति का मतलब कौन समझता है? नीति मतलब जल नीति, कभी देखा है ऐसा डालते पानी दूसरे तरफ से निकालते हैं, वही नीति है. नीति माने नीति नहीं, स्ट्रेटजी नहीं कह रहा मैं, नेति, नेति, नॉट दैट. क्या नहीं करना है ये भी चुनना उतना ही जरूरी है, क्योंकि अपने दिमाग में आएंगे कितने आइडिया, 10. ह्यूमन ब्रेन में 80,000 से ज्यादा आइडिया आते हैं पर डे, थॉट्स आते हैं 80,000, 98% रिपीट होते हैं, 80,000 में से 98% रिपीट होते हैं. मतलब न्यू थॉट आपके सिर्फ दिन के 2% है, केवल 2%, और उसमें से 70% से ज्यादा एवरेज ह्यूमन बीइंग में नेगेटिव थॉट्स हैं. तो वो सब कचरा है, नेति, नॉट दैट. कचरा साफ करो, माइंड को ओपन करो, पॉजिटिविटी को रिसीव करो, क्रिएटिविटी को पुश करो. वो 2% को 20% कैसे बनाना है, दैट इज व्हाट इज कमिंग अप. अपन किसी की सक्सेस देखे बोलते, अरे बाप रे क्या आइडिया है सर जी,
इसने तो कमाल कर दिया, मैंने क्यों नहीं सोचा। या फिर अपन भी सोचते हैं, मैंने तो सोचा लेकिन किया उसने, राइट। तो प्रोसेस यहां से शुरू होता है एंड फाइनल स्टेज इज वैराग्य। वैराग्य वो नहीं कि संन्यास ले लिए भाई सब छोड़ के चले गए। वैराग्य का एक्चुअल संस्कृत में मीनिंग ये है, एफल्जेंस, अंग्रेजी में जो शब्द है एफल्जेंस, मतलब टू बी वन। जब मैं बड़ा बिजनेस की टीम को देखता हूं, जब मैं अपने भाई विवेक बिंद्रा को देखता हूं, जब मैं उनके साथ में पूरे कोफाउंडर्स की टीम को देखता हूं, आई फील इट, मुझे दिखता है कि इनमें और कंपनी में कोई फर्क नहीं है। आप एक पॉइंट पे ऐसे पहुंच जाते हो कि आप ही कंपनी बन जाते हो और कंपनी ही आप बन जाती है। उसे देख के ना इंस्पिरेशन मिलती है इंसान को, आदमी को लगता है यार ये चीज है, इस ऊर्जा से जुड़ना है मुझे, आई वांट टू गो फॉरवर्ड। आपको लगता है कि नहीं लगता है? अब यही इंस्पिरेशन को आपको कैरी करके लेके जाना है। इंस्पिरेशन की एक प्रॉब्लम है, इंस्पिरेशन की प्रॉब्लम है डिमिनिशिंग इफेक्ट। मतलब ये आज आप सुन के गए, बड़े इंस्पायर हो गए, आज बड़ी ऊर्जा से गए, हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं तो कल इतनी एफर्ट डालूंगा, और कल से आप फिर थोड़े ठंडे पड़े, परसों और ठंडे पड़ गए, और उसके बाद आपको ध्यान ही नहीं रहा कि किस बात की इंस्पिरेशन थी। तो फिर क्या मतलब है भाई, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? तो इंस्पिरेशन को एम्प्लीफाई कैसे किया जाए? मैंने आज इंस्पिरेशन ले ली विवेक भाई से, कल मैं उसे एम्प्लीफाई कैसे करूं? पहले उसे फोकस मिलाना है, जो सेलियंट पॉइंट्स हैं, जो मुझे यहां से आज इंफॉर्मेशन मिली है, जो मुझे टूल्स मिल रही है कंपनी से, जो मुझे प्रेजेंटेशन मिल रहा है, मैं उस प्रेजेंटेशन को देखूं, पढ़ूं, समझूं, गहराई तक जाऊं और उस पर अपना तड़का लगाऊं, क्योंकि आगे मुझे उस प्रेजेंटेशन को लेके जाके पूरी दुनिया में फैलाना है, अंगार लगाना है बॉस, अंगार। इंस्पिरेशन को लेके एम्प्लीफिकेशन करना है। हिस्ट्री क्रिएट करनी कि नहीं क्रिएट करनी है? तो लेट्स गो आउट देयर एंड लेट्स मेक दिस अ ब्लॉकबस्टर सक्सेस।